हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या प्याज का रस लगाने से बालों का झड़ना बंद होता है और क्या इससे जो है वास्तव में न्यू हेयर ग्रो होते हैं। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट हम फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें आप उन्हें मिस ना करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस मैंने भी जो है प्याज के रस का इस्तेमाल पहले कर रखा है, जब मैं मिनोक्सिडिल और फिनास्टाइड का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, तब मैंने जो है काफ़ी दिनों तक जो प्याज का रस का इस्तेमाल किया था अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए। और गाइस मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मैंने काफ़ी दिनों तक जो है इस्तेमाल किया था इस प्याज के रस का, तो गाइस मुझे तो जो बिल्कुल भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला, बिल्कुल गाइस जीरो रिजल्ट। गाइस आपको बहुत से यूट्यूबर ये कहते हुए मिल जाएंगे कि इससे जो बाल झड़ना बंद होते हैं, इससे नए बाल उगाए या इससे न्यू हेयर ग्रो हो गए, बाल एकदम घने हो गए और जो शाहरुख खान जैसे बाल हो गए। तो गाइस वो आपको जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, गाइस आप इन चक्करों में ना पड़े बिल्कुल भी। जो है गाइस पहली बात तो जो है प्याज के रस को लेकर जो है कोई भी साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल नहीं है जो ये कहती हो कि इससे जो है बाल झड़ना बंद होते हैं या फिर जो मेल पैटर्न बॉडनेस ट्रीट होता है इससे या फिर DST ब्लॉक होती है। गाइस ऐसा इसके ऊपर जो कोई भी साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल नहीं है, साइंटिफिक डेटा नहीं है। तो ऐसे मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप जो है प्याज के रस का इस्तेमाल जो अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए करें। गाइस मैं तो आपसे यही कहूँगा अगर आपको भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस या जेनेटिक बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, क्यों गाइस वही आपको अच्छा ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। आप जो है प्याज लहसुन अदरक के चक्कर में पड़े रहेंगे तो गाइस आप अपने बालों को जो है और भी ज़्यादा जो है मतलब वर्स्ट कंडीशन में ले जाएंगे। तो गाइस अगर आपका जो है हेयर एक बार जो है हेयर फॉलिकल डेड हो गया तो आपको भी पता है उसको कोई भी मेडिसिन जो है रीग्रो नहीं कर सकती सिवाय हेयर ट्रांसप्लांट के। आप जितना जल्दी अपने जो है डॉक्टर को दिखाएंगे और ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करेंगे मिनोक्सिडिल और फिनास्टाइड का, तो आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे कि आपकी जो इन फ्यूचर जो है फ्यूचर में जो डेंसिटी उतनी अच्छी बनी रहे और जो है आपका जो फ्यूचर में जो बाल सेव रहें। और गाइस मैं तो आपको बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप जो प्याज के रस का इस्तेमाल जो अपने हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए करें। और गाइस अगर आप जो फिर भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाकी आपकी मर्जी है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आप मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं तो आप इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। गाइस मैंने पर्सनली इसको यूज़ करके देख रखा है और गाइस और उसके ऊपर जो कोई भी साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करोगे इसके ऊपर जो है। और क्यों गाइस इस पर जो जब कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है और जो है तो आप इसको इस्तेमाल क्यों करोगे, जब आपके पास इतनी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल कीजिए ना। और अगर आपको जो है हेयर फॉल और मेल पैटर्न बॉल्डनेस जैसी अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्यों गाइस वही आपको जो अच्छा ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।